नमस्कार, आज के इस खास वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे एम्प्लॉई अटेंडेंस शीट बनाई जाती है। एक्सेल पे काम करने वाले एम्प्लॉई को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके अटेंडेंस का, यानी उनके एब्सेंट, उनके प्रेजेंट का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, जो बहुत सारी कंपनियाँ एक्सेल में भी करती हैं। तो वो आप कैसे करेंगे, वो आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक अटेंडेंस शीट तैयार कर रही है। इसमें क्या है, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ऊपर वाले कॉलम में तो एक एम्प्लॉई का एम्प्लॉई अटेंडेंस शीट है, अगस्त महीने की है और उस कंपनी का नाम है। एम्प्लॉयज नंबर है, नेम है, डेजिग्नेशन है और 1 से लेकर 30 तक का जो भी उसका रिकॉर्ड है। फिर इधर वर्किंग डेज निकाला हुआ है, प्रेजेंट डेज निकाला हुआ है और एब्सेंट कितने दिन वो रहा है, ये पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन है। तो इस तरह का एक अटेंडेंस शीट हम कैसे तैयार करें, उसके लिए हम सबसे पहले एक नई शीट पे आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो जो कंपनी का नाम है या जो हेडिंग हमें रखना है, जैसे वो हम लिख लेंगे, जैसे आपने कहा एम्प्लॉई और इसको मर्ज कर दिया। फिर आपने क्या करना है, एम्प्लॉई नंबर अगर आप देते हैं वो आप लिख देंगे, थोड़ा सा जगह बढ़ा देंगे। यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय, उसके बाद उसका डेजिग्नेशन आप लिखेंगे। फिर यहाँ पर डेट्स लिखेंगे। अगर मान लीजिए ये अगस्त, पिछले महीने अगस्त का अगर है, तो मैंने 1 लिखा, फिर यहाँ पे 2 लिखा और उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐसे प्रेस करा और ऐसे आप ड्रैग कर दीजिए, यानी अगर 31 का है तो 31 तक आप इसको ड्रैग कर दीजिए। फिर यहाँ पर वर्किंग डेज, फिर आप करेंगे इधर की तरफ प्रेजेंट डेज, उसके बाद नेक्स्ट में आप कर दीजिए अब्सेंट का भी हमें रिकॉर्ड रखना है तो अब्सेंट डेज, यह आपने करा। और मान लीजिए कि हम कम एम्प्लॉयज़ का बना रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम कुछ, हमारे यहाँ कुछ 10 या 15 एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप पूरे एरिया को ऐसे देख लीजिए और एक ब्रैक बॉर्डर में दे सकते हैं, ऐसे इस तरह का आप दे दें। फिर यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉई नंबर में बहुत सारी कंपनियां आपने देखा होगा कि वो थोड़ा सा जो एम्प्लॉयज़ नंबर होता है उसको 00 से भी शुरू करती हैं। तो आपको पता है जब 000 और ऐसे कुछ हम नंबर लिखते हैं तो 0 से पहले की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो वो आता नहीं है। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हाइफन लगा लीजिए। हाइफन एंटर के लेफ्ट साइड में एक की है, की पे हाइफन, जो ऊपर कोटेशन कोमा नीचे, तो हाइफन लगा देंगे। उसके बाद जितने भी आपको मान लीजिए 3 0 है, आप उसके बाद 255 नंबर लिख रहे हैं जो हमारी शीट में है, तो एक और नंबर लिख लेते हैं। हाइफन करा हमने 000256, एंटर कर देते हैं और देखते हैं इसको हम कॉपी हैंडल कर पाएं। ऐसे हमने कॉपी हैंडल से इसको ड्रैग कर दिया। फिर नेम ऑफ एम्प्लॉई, इसमें आपने लिखा रोहित राज, मैंने ये फटाफट इधर लिख दिया। इसके बाद आप डेजिग्नेशन कह रहे हैं, आप कह रहे हैं मैनेजर, इस तरह से मैंने उनके डेजिग्नेशन लिख दिए। अब यहाँ पर मुझे ये देखना होगा कि इसमें से कौन कौन से डेज हैं जिन दिन छुट्टी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप अगर ये अगस्त महीने का है तो आप देख लीजिए, यहाँ पे संडे पड़ रहा है 6 13 20 27, तो आप उसको 6 तारीख आप इसको डिलीट मार सकते हैं और इसको ऐसे आप कोई कलर अलग से हाईलाइट कर सकते हैं। तो अलग से हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ कर्सर क्लिक किया, पूरे एरिया को सेलेक्ट किया यहाँ, और कोई भी एक अलग सा डेट मैं यहाँ पे मान लीजिए ऐसा कुछ लिख देता हूँ, जिससे मुझे ये पता चले 6 के बाद अगला संडे 13 तारीख को पड़ रहा है, फिर उसके बाद 20 तारीख है और उसके बाद 26 तारीख है, तो मैंने 26 तारीख को भी इस तरह से ये वाला हाईलाइट कर दिया, इस तरह कर दिया। इसके अलावा अब आपको जैसे यहाँ पे अगर 6 तारीख है या 13 है, तो यहाँ लिखा है संडे, तो आप SUN लिख दीजिए संडे, अब ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको अगर आप ऐसे यहाँ पे आप जाएंगे अलाइनमेंट के यहाँ पे, तो आप देखेंगे इसका टेक्स्ट का डायरेक्शन अलग अलग होता है, जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं संडे, और यही अगर बार बार यहाँ भी लिखना है तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको Ctrl C करा कॉपी और यहाँ लाकर पेस्ट, आप इन सभी जगहों पे पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ वर्किंग डेज में आप देखेंगे यहाँ पर वर्किंग के नीचे डेज भी होगा, वो नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरे को आपने यहाँ से
यानी कि रो की हेडिंग से सेलेक्ट करना है, रैप टेक्स्ट कर दीजिए, वो आपको दिख जाएगा। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि इन एरियाज में आपको, या इन पूरे एरियाज में, या जिन एरियाज में आपको लगता है कि मुझे इसको मिडल अलाइन करना है, तो आप यहाँ चले जाइए, ऐसे कर सकते हैं। इसको बोल्ड कर दिया आपने, थोड़ा साइज बढ़ा दिया। इसका बैकग्राउंड अगर आपको कुछ अलग से दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। इस एरिया को आप देखिए, पूरे एरिया को आपने सेलेक्ट किया, आप इसको ऐसे सेंटर अलाइन मिडल अलाइन आप ये कर दीजिए। सेम इसको भी आप कर सकते हैं, सेंटर अलाइन मिडल अलाइन कर सकते हैं। जिसको नहीं जरूरत है आप नहीं भी करें। जैसे ये, इसको आपको लेफ्ट अलाइन रखना चाहिए, आपने रख दिया। इसको भी आपको लेफ्ट अलाइन रखना चाहिए, वो आपने ऐसे मेंटेन कर लिया। थोड़ा सा बोल्ड करना चाहें आप बोल्ड कर दीजिए, ऐसे कुछ अलग से कलर अगर आप दिखाना चाहें तो आप यहाँ जाकर कोई भी एक कलर जो आपको ठीक लगता है आपने उस कलर का कर दिया इनको, वो आप ऐसे दिखा सकते हैं। फिर आप अब अब्सेंट और प्रेजेंट लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे पी, कैपिटल लेटर में हम लिख देते हैं पी। मैंने इस तरह से भर दिया। अगर आपको जल्दी जल्दी भरना है तो आप ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, इस तरह से आप इसको भी ऐसे ही ड्रैग कर सकते हैं। मान लीजिए इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर दिखाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे गया और कुछ ऐसा कलर ले लिया, या इस तरह का ऐसा कोई कलर ले लेता हूँ, और यही चीज़ मेरे को यहाँ भी करना है। इस तरह से मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, इसको भी मैं ऐसे ही कर देता हूँ। ये मैंने इस तरह भर दिया, और रैंडमली मैं कहीं कहीं, आप देख रहे हैं, मैं कहीं कहीं आपको ये चेंजेस कर दे रहा हूँ। इस तरह से जो भी अब्सेंट प्रेजेंट, अब्सेंट प्रेजेंट, जो भी आपके आपको मेंटेन करना है डेली वाइज आप करते जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि मुझे नंबर ऑफ वर्किंग डेज निकालने हैं, प्रेजेंट डेज निकालने हैं और अब्सेंट डेज निकालने हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसके अंदर वर्किंग डेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कर्सर रखना है इक्वल टू, जैसा कि हम फॉर्मूला लगाने से पहले ऐसे लगाया जाता है, आप सभी जानते होंगे। यहाँ पे मैंने इक्वल टू किया, उसके बाद मैंने COUNTA यानी कि काउंट अल्फाबेट या काउंटा डबल क्लिक करा, ये फॉर्मूला लगाया, और इसको मैंने यहाँ से जगह बता दी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यानी कि मैंने कहा D4, ये D कॉलम और 4 नंबर रो, D4 से लेकर और AH4 यानी कि 31 तारीख तक काउंट करना है। बट ये क्योंकि काउंट में भी काउंटा है, बिकॉज ये काउंट अल्फाबेट यही कर सकता है, तो काउंटा फॉर्मूला लगाकर मैंने एंटर मारा। इसने अब्सेंट हो या प्रेजेंट हो, इसने काउंट करके बता दिया 27 डेज। आपको क्या करना है, इसी को कॉपी हैंडल से ऐसे ड्रैग कर दीजिए, ये आपको सभी का बता देगा। सो ऑब्वियसली सभी के लिए 27 दिन ही वर्किंग था। इसके बाद को अगर प्रेजेंट डेज निकालना है तो आपको इक्वल टू, उसके बाद सेम वही फॉर्मूला काउंट, और इसके आगे काउंट इफ फॉर्मूला होता है, जो हम अल्फाबेटिकली हम कोई चीज अगर निकालना चाहें, जैसे अब्सेंट निकालना है, प्रेजेंट निकालना है, तो हम इसका यूज करते हैं। तो यहां पे प्रेजेंट निकालना है तो काउंट इफ डबल क्लिक करेंगे आप, यहां से लेकर और शिफ्ट के साथ आप आगे बढ़ते जाइए जहां तक आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे 31 तारीख तक, तो यहां तक मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, कोटेशन कॉमा के अंदर मैंने लिखा पी, पी बोले तो प्रेजेंट डेज, तो मैंने पे लिख प्रेजेंट लिखा, पी लिखा, और कोटेशन कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज किया और फिर एंटर मार देते हैं, तो ये एक का आ जाता है। आप देख सकते हैं कि इसमें अगर आप क्रॉस चेक करें तो एक अब्सेंट है, दो अब्सेंट है, तीन अब्सेंट है, तो आप 24 और 3 27 आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है। कॉपी हैंडल से बाकी ये काम हो जाता है। तो ये सभी का अलग अलग नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज आप निकाल लेंगे। सेम इसी तरह अब्सेंट डेज है, तो आप समझ सकते हैं जहां पे हमने प्रेजेंट लगाया था वहां पे हम अब अब्सेंट लगा देंगे। कैसे निकालेंगे, इक्वल टू काउंट इफ, आप डबल क्लिक कर दीजिए, आप एरिया बता दीजिए, यहां से लेकर यहां तक आपने कॉमा लगाना है, कोटेशन कॉमा के अंदर इस बार ए, फिर कोटेशन कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद आप एंटर कर दीजिए, ये आपको डेज बता देगा 3 डेज, और ड्रैग कर दीजिए तो कॉपी हैंडल बाकी ये काम आपको करके चला जाता है। इसमें एक चीज और देखेंगे, हमें क्या होता है कि अब्सेंट और प्रेजेंट ऐसे ना एक जैसे लिखे हुए हैं, एक कलर में लिखे हुए हैं, तो हमारे लिए दिक्कत होते हैं कि हम अब्सेंट, ऐसा भी हो सकता है कि हम कुछ ऐसा कर दें कि प्रेजेंट डेज और अब्सेंट डेज अलग अलग कलर में हाईलाइट हो जाए, सो डैट मैं दूर से देख के बता दूं। जैसे हम, आपने देखा होगा स्कूल्स में या दूसरी जगह जहां अटेंडेंस मैनुअल तरीके से रजिस्टर में मेंटेन होती है, वहां पे अब्सेंट को रेड कलर कर दिया जाता है, तो वो हम कैसे रिजल्ट अचीव करेंगे, उसके लिए आपको पूरे एरिया को सेलेक्ट करना है,
फॉर एग्जाम्पल जो भी आपका अटेंडेंस वाला एरिया है, एबसेंट और प्रेजेंट वाला एरिया आपने सेलेक्ट किया, आपको आना है एक्सेल के होम मेन्यू के अंदर, स्टाइल के ऑप्शन के अंदर आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहां आने के बाद आपको हाईलाइट सेल रूल्स में जाना है और यहां पर टेक्स्ट डेट कंटेन्स पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए आपको यहां पे ना टेक्स्ट डेट कंटेन्स में फॉर्मेट सेल डेट कंटेन्स अ टेक्स्ट, तो यहां पर आपको अगर हाईलाइट हमें किसको करना है, मान लीजिए मेरे को प्रेजेंट वाले को करना है, बट प्रेजेंट को मुझे रेड नहीं करना, जैसे यहां पे दिखाने भी लगा है, रेड की जगह मुझे ग्रीन करना है, सो डेट वो प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगा यहां पे देख लूंगा ग्रीन, तो ग्रीन फील और मैंने ओके कर दिया। आप देख सकते हैं बाकी हाईलाइट आपको दिख रहा होगा एब्सेंट। अब ये भी हो सकता है कि जैसे यहां पे दोबारा से मैं सिलेक्शन बनाऊंगा, यानी कि ये मेरा जो भी है यहाँ पे अगर ज्यादा एब्सेंट हो रहा है तो ये ठीक नहीं है, पता चले कंपनी पूरी स्ट्राइक पे चली गई है क्या, तो आप दोबारा से एक बार सेलेक्ट करें। आपने एक बार जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी वो प्रेजेंट के लिए दी, दोबारा से आप होम मेन्यू स्टाइल के ऑप्शन में कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल्स में जाएंगे और टेक्स्ट डेट कंटेंट्स में जाकर इस बार एब्सेंट कर दीजिए और बिल्कुल यहां पर आप जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट वो आपने सेलेक्ट किया और ओके कर देंगे, तो देखिए इस तरह का आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि अगर बाय चांस मुझे लगा कि ये जो रोहित राज हैं ये मंडे 7 तारीख को भी नहीं आए थे, तो मैं इस इनको एब्सेंट यहाँ लिखूंगा और जैसे एंटर मारूंगा देखिए वो कलर बदल जाएगा। यहाँ पे मुझे पता चला कि ये जो मिराज हुसैन है ये 4 तारीख को आए थे, तो मैं प्रेजेंट कर दूंगा और एंटर मारूंगा, देखिए यहाँ पर ये आपको दिख जाएंगे कि कलर बदल गया है और ऐसे। तो जहां जहां आप इसके बाद एब्सेंट लिखेंगे वो कलर बदल जाएगा, जहां जहां आप प्रेजेंट लिखेंगे वो कलर बदलता जाएगा। और सेम यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो भी वर्किंग डेज तो सेम रहेगा बट बाकी चीजें बदलती रहेंगी। जैसे अगर मैं एक एब्सेंट और बढ़ाता हूं, आप देखिए प्रेजेंट डेज 23 है और ये 4 है, तो एक एब्सेंट अगर मैं बढ़ा दूं यहां पर एक करके जब एंटर मारूंगा तो ये दोनों बदल जाएंगे, आपको दिख जाएगा। सो ये ओवरऑल आप देखें तो ये तरीका है एम्प्लॉइज अटेंडेंस शीट बनाने का किसी कंपनी में। तो आज आपने सीखा कि कैसे हम एम्प्लॉइज अटेंडेंस शीट बनाते हैं जिसमें हम काउंट काउंटा काउंट इफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग और फॉर्मेटिंग के डिफरेंट ऑप्शंस, इस तरह के ऑप्शंस का यूज करके हम एक एम्प्लॉई सैलरी शीट तैयार कर सकते हैं। तो आशा है आज के इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।